हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ टू चल रही है और ये आज से दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तो फेज़ टू के तहत राज्य परियोजना कार्यालय से प्रत्येक सप्ताह के लिए समय सारणी और ई कंटेंट जारी होता है। तो इस सप्ताह के लिए भी ई कंटेंट जारी हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ दूसरे सप्ताह का ई कंटेंट, कक्षा तीन में आपको जो है इस सप्ताह क्या पढ़ाना है, क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कक्षा तीन का ई कंटेंट क्या है। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कक्षा तीन के लिए द्वितीय सप्ताह की योजना 28/9/2020 से 3 अक्टूबर 2020 तक है। कक्षा तीन के लिए हिंदी द्वितीय सप्ताह सोमवार। आज कक्षा तीन में पढ़ने वाले हमारे सभी छात्र अपनी हिंदी की पाठ पुस्तक पाठ 5 साहसी सीमा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ पर कार्य करने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म पर दर्ज वीडियो लिंक शेयर किए जा रहे हैं। लिंक में दी गई वीडियो में पाठ का स्पष्ट और ऊँचे स्वर में उच्चारण किया गया है। बच्चे को यह वीडियो दिखाएँ और वीडियो को उपयुक्त स्थान पर पाज यानी रोक कर बच्चे को भी साथ साथ बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके साथ ही साथ बच्चे से सामने पाठ पुस्तक भी रखें और वीडियो समाप्त होने के बाद बच्चे के साथ पाठ पुस्तक से पाठ पढ़ें। इसके साथ ही आपके साथ चित्र, चार्ट, खेत भी साझा किया जा रहा है। चित्र दिखाकर बच्चे से चर्चा करें और उनके चित्र पर विचार जानें। इससे बच्चे का अपने परिवेश से समन्वय बढ़ेगा। अगर कलर और कागज़ जैसी सामग्री उपलब्ध है तो बच्चे को खेल का चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। आपके साथ कविता, पोस्टर, हाथी भी साझा किया जा रहा है। पोस्टर दिखाकर बच्चे से चर्चा करें और उनके पोस्टर पर विचार जानें। इसके बाद उनसे ऊंचे स्वर में कविता पठन कराएं और यहाँ पर एक लिंक भी दी गई है। फिर देखिए ये खेत का चित्र भी जो है दिखाया गया है। यहाँ पर बढ़िया किसान लोग खेतों में काम भी कर रहे हैं और कविता पोस्टर है हाथी का। हाथी आता कान पूछो सूंड हिलाता, नहीं किसी को सैर कराता, नहीं किसी का बोझ उठाता, मेरी तो कुछ समझ ना आता, हाथी जाता। ये हाथी का चित्र भी यहाँ पर है। फिर आता है कक्षा तीन के लिए गणित द्वितीय सप्ताह सोमवार। आज हम 3 और 4 अंकों की संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखेंगे। शिक्षकों के लिए इसे पढ़ाने के लिए एक शिक्षण पत्र दिया जा रहा है। पत्र में जरूरी सभी गतिविधियाँ और सामग्री बताई गई हैं। इस गतिविधि को बच्चों के परिवेश अनुसार बदलें और व्हाट्सएप ग्रुप में अभिभावकों के साथ साझा करें। जैसे कि पहली गतिविधि माचिस की तीलों के साथ की जा सकती है। इसके साथ आप गिनतारा पाठ पुस्तक पाठ 1 से बेहतर समझ बना सकते हैं। आपके साथ अभ्यास पत्र भी साझा किया जा रहा है। अवधारणा समझने के बाद बच्चे द्वारा इसे पूरा कराएं। देखिए एक यहाँ पर ये शिक्षण योजना आपके सामने बनी हुई है। शिक्षण उद्देश्य अंकों में लिखे 3-4 अंक की संख्या को शब्दों में लिखना। अधिगम प्रतिफल बच्चे 999 तक की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, शब्दों में तुलना कर सकते हैं तथा उनको एक क्रम में लगा सकते हैं। विषय गणित पाठ पुस्तक पाठ 1 संख्याओं का घर, कार्य पुस्तिका पेज नंबर 14, संसाधन डीन्स ब्लॉक, अवधारणा बोर्ड 1, शिक्षण विधा बच्चों से संवाद गतिविधि, आवश्यक पूर्व ज्ञान, बच्चे 4 अंक की संख्या में कौन सा अंक 1000 के ब्लॉक को, 100 के ब्लॉक को, 10 का ब्लॉक और खुले ब्लॉक यूनिट को दर्शाता है यह समझने लगे हैं। नए शब्द 1000, सामान्य भूल कुछ बच्चे अक्सर संख्या लिखते हुए अंकों को सही क्रम में नहीं लिखते हैं। फिर आता है गतिविधि अंकों में लिखी 3 या 4 अंकीय संख्या को शब्दों में लिखने पर बातचीत। समय 15 मिनट है। शिक्षक बोर्ड पर एक 4 अंकीय संख्या अंकों में लिखें, उदाहरण 1235। बच्चों से पूछे इस संख्या में 1000 के कितने बंडल ब्लॉक हैं। तो बच्चों से पूछे एक बंडल ब्लॉक मतलब कितने 1000। शिक्षक संख्या के आगे शब्दों में लिख दें 1000। निर्देश जरूरत लगे तो डीन्स ब्लॉक की मदद लें। अब बच्चों से पूछे इस संख्या में 100 के कितने बंडल या ब्लॉक हैं। तो 2 बंडल या ब्लॉक मतलब कितने 100। शिक्षक 1000 के आगे लिखें 200। बच्चों से पूछे 10 के कितने बंडल हैं। तो 3 बंडल मतलब हुए 10, 20 और 30 और खुले कितने हैं 5। तो 30 और 5 कितने होते हैं गिनकर बताओ 35। शिक्षक 200 के आगे 35 लिख दे, फिर दोहराए 1200 और 35। निर्देश इस प्रकार कुछ और संख्याओं पर बातचीत करें। विशेष बातचीत के दौरान ऐसी संख्याओं को जरूर शामिल करें
जिनमें सैकड़ा, दहाई, इकाई या तीन अंक मौजूद ना हो। साथ ही बीच बीच में तीन अंकीय संख्या भी लिख लें। और इधर दूसरी गतिविधि क्या है, शिक्षक बारी बारी से एक एक बच्चों को आगे आगे ब्लैक बोर्ड पर बुलाएं। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर एक चार अंकीय संख्या अंकों में लिखें। बच्चों से इसे शब्दों में लिखने बोलने के लिए कहें। विशेष जरूरत होने पर शिक्षक बच्चों की मदद करेंगे। बच्चों से सवाल पूछते हुए उसे उत्तर तक पहुंचने में मदद करें। जैसे इसमें हज़ार के कितने बंडल या ब्लॉक हैं, तो कितने हज़ार हो गए। फिर एक दूसरा जो है यहाँ कार्यपत्रक दिया गया है, शिक्षण उद्देश्य अंकों में लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखना। अधिगम प्रतिफल, बच्चे 999 तक की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, शब्दों में तुलना कर सकते हैं तथा उनको एक क्रम में लगा सकते हैं। बच्चों के लिए निर्देश, नीचे लिखे तीन अंकीय संख्याओं को शब्दों में लिखो, नीचे खाली स्थान भरें। तो ये संख्याएं दी गई हैं मित्रों, इसको शब्दों में लिखना है। और यहाँ पर जो है ये कुछ जो है ब्लॉक बने हुए हैं, इसकी मदद से जो है यहाँ पर इसको खाली जगह को पूरा करना है। फिर बात करते हैं आगे, कक्षा तीन द्वितीय सप्ताह ई पाठशाला। आज अंग्रेजी में बच्चे रेनबो पाठ पुस्तक से पहला लेसन टी पॉट और साउंड जैसे कि मैट, कैप, वैन का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को बच्चे भी ऊंचे स्वर में बोलकर पढ़ें। फिर बुधवार के लिए समय सारणी है, आज हम EBS में परिवेशीय पेड़ पौधे पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में अभिभावक सबसे पहले बच्चे को दी गई वीडियो दिखाएं। वीडियो दिखाने के बाद उन्हें पाठ पुस्तक में पाठ का स्वयं अध्ययन करने को कहें। यह गतिविधि करने के बाद उनसे पेड़ पौधे के बारे में चर्चा करें और पाठ द्वारा विकसित उनकी राय जानें। फिर आता है शुक्रवार के लिए, आज कक्षा तीन में पढ़ने वाले हमारे सभी छात्र अपने हिंदी के पाठ पुस्तक पाठ छः सबसे पहले का अध्ययन करेंगे। इन पाठ पर कार्य करने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म पर दर्ज वीडियो लिंक शेयर किए जा रहे हैं। लिंक में दी गई वीडियो में पाठ का स्पष्ट और ऊंचे स्वर में उच्चारण किया गया है। बच्चे को यह वीडियो दिखाएं और वीडियो को उपयुक्त स्थान पर पॉज यानी रोककर बच्चे को भी साथ साथ बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके साथ ही साथ बच्चे से सामने पाठ पुस्तक भी रखें और वीडियो समाप्त होने के बाद बच्चे के साथ पाठ पुस्तक से भी पाठ पढ़ें। इसके साथ ही साथ आपके साथ चित्र चार्ट खेत भी साझा किया जा रहा है। चित्र दिखाकर बच्चे से चर्चा करें और उनके चित्र पर विचार जानें। इससे बच्चे का अपने परिवेश से समन्वय बढ़ेगा। अगर कलर और कागज जैसी सामग्री उपलब्ध है तो बच्चे को खेल का चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। आपके साथ कविता, पोस्टर, हाथी भी साझा किया जा रहा है। पोस्टर दिखाकर बच्चे से चर्चा करें और उनके पोस्टर पर विचार जानें। इसके बाद उनसे ऊंचे स्वर में कविता पठन कराएं। अब देखिए खेत का यहाँ पर चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं, और हाथी वाला कविता पोस्टर भी यहाँ पर दिया गया है, वही चीज़ जो आपको पहले दिखाया गया है। फिर आता है गणित के लिए जो है, देखिए गणित में क्या करना है। आज हम शब्दों में लिखे चार और तीन अंकों की संख्या को अंकों में सीखेंगे। शिक्षकों के लिए इसे पढ़ाने के लिए शिक्षण पत्र दिया जा रहा है। पत्र में जरूरी सभी गतिविधियाँ और सामग्री बताई गई हैं। इस गतिविधि को बच्चों को परिवेश के अनुसार बदलें और व्हाट्सएप ग्रुप में अभिभावकों के साथ साझा करें। इसके साथ आप गिनतारा पाठ पुस्तक पाठ एक से बेहतर समझ सकते हैं। आपके साथ अभ्यास पत्र भी साझा किया जा रहा है। अवधारणा समझने के बाद बच्चे द्वारा इससे पूरा करवाएं। तो देखिए यहाँ बिल्कुल वही चीज़ दिया जा रहा है जो कि आपको पहले दिया गया था, पहले दिन उसी को यहाँ पर आपको रिविज़न करना है ताकि बच्चे जो है उसको अच्छे तरीके से सीख जाएँ। बस ये है कि यहाँ अभ्यास कार्यपत्रक में शब्दों में संख्याएं लिखी गई हैं, उनको आपको क्या करना है, अंकों में लिखवाना है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।